बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम डियर क्लास। आज के लेक्चर में हम एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 26 स्टार्ट करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 26 एक इम्प्रॉपर इंटीग्रल है। दोनों जो लिमिट्स हैं इन्फिनिटी हैं, लोअर लिमिट माइनस इन्फिनिटी है और अपर लिमिट प्लस का इन्फिनिटी है। तो इसका स्टार्ट करते हैं सोल्यूशन। इसको हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, लेट आई इज इक्वल टू, चूंकि दोनों लिमिट्स इन्फिनिटी आ रहे हैं तो इसलिए हम इसको लिखेंगे माइनस इन्फिनिटी टू जीरो एक्स ई पावर माइनस एक्स स्क्वायर डी ऑफ एक्स और प्लस जीरो टू प्लस का इन्फिनिटी एक्स ई पावर माइनस एक्स स्क्वायर डी ऑफ एक्स। तो लोअर लिमिट पे इन्फिनिटी हो तो हम उसको लिखते हैं लिमिट टी अप्रोचेस टू माइनस इन्फिनिटी, अब लिमिट बन जाएगी टी से जीरो एक्स ई पावर माइनस एक्स स्क्वायर डी ऑफ एक्स और प्लस यहाँ पे बन जाएगा लिमिट टी अप्रोचेस टू प्लस का इन्फिनिटी, चूंकि यहाँ पे अपर लिमिट इन्फिनिटी है, जीरो से टी फंक्शन है ई पावर माइनस एक्स स्क्वायर डी ऑफ एक्स। ठीक है, तो दोनों जो फंक्शन है जिनकी हमें इंटीग्रेशन करनी है सेम है, तो इसको इंटीग्रेशन हम अलहदा से कर लेते हैं। तो ई पावर माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स को अगर मैं बाद में लिख लूँ डी ऑफ एक्स, एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, इसके पावर का डेरिवेटिव आगे मौजूद होना चाहिए, आप तब जाके हम इसकी इंटीग्रेशन करेंगे। तो इसको इसकी पावर का डेरिवेटिव है माइनस का 2x, तो x मौजूद है माइनस 2 नहीं है, तो माइनस 2 को मैंने डिवाइड भी कर दिया है और इसके साथ मल्टीप्लाई भी कर दिया है। ठीक है, ये माइनस का 2x और ये साथ डी ऑफ एक्स। अब पावर के पावर का डेरिवेटिव आगे मौजूद है तो इसकी इंटीग्रेशन बन जाएगी माइनस वन बाई टू ई पावर माइनस का एक्स स्क्वायर और ठीक है, ये इसकी इंटीग्रेशन आ गई। अब ये वाली वैल्यू जाके पुट कर दें इक्वेशन नंबर वन में जाके जब पुट करेंगे तो ये बन जाएगा इक्वेशन नंबर वन हमारी बन जाएगी माइनस लिमिट इसको आप वन कहें लिमिट टी अप्रोचेस टू माइनस इन्फिनिटी और अब इंटीग्रेशन तो हो गई है, यहाँ पे आंसर आया माइनस का 1/2 ई पावर माइनस का एक्स स्क्वायर और लिमिट है आप टी से जीरो, फिर प्लस लिमिट टी अप्रोचेस टू प्लस का इन्फिनिटी और माइनस 1/2 ई पावर माइनस एक्स स्क्वायर और लिमिट है यहाँ से जीरो से टी। यहाँ पे लिमिट अप्लाई कर दें, लिमिट अप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा लिमिट टी अप्रोचेस टू माइनस इन्फिनिटी, अपर लिमिट है जीरो और माइनस 1/2 चूँकि कांस्टेंट है दोनों में आ रहा है तो ये मैंने शुरू में रख लिया है, दोनों में से माइनस 1/2 कॉमन कर लिया है तो ये बन जाएगा अपर लिमिट है जीरो तो ये बन जाएगा ई पावर जीरो और फिर माइनस लोअर लिमिट यहाँ पे माइनस का टी स्क्वायर हो जाएगा और फिर माइनस 1/2 फिर कॉमन है लिमिट टी अप्रोचेस टू प्लस का इन्फिनिटी, यहाँ पे ई पावर हो जाएगा माइनस का टी स्क्वायर और माइनस ई पावर जीरो। ये लिमिट अप्लाई कर दें माइनस 1/2 ई पावर जीरो वन होता है, माइनस ई पावर माइनस इन्फिनिटी का स्क्वायर मतलब माइनस का इन्फिनिटी हो जाएगा, माइनस का 1/2 और यहाँ पे माइनस का इन्फिनिटी और माइनस ई ये हो जाएगा वन। ठीक है, माइनस इन्फिनिटी चूँकि जीरो होता है तो 1/2 बचेगा यहाँ से, यहाँ पे भी ये जीरो हो जाएगा और प्लस का 1/2 आ जाएगा, दोनों को आपस में हल करने तो हमें आंसर क्या मिल जाएगा, वन आंसर मिल जाएगा। मीन्स कि हमारा गिवन इंटीग्रल जो है ये माइनस का 1/2 आ रहा है और ये प्लस का, तो ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे, आंसर हमें जीरो मिल जाएगा। तो ये गिवन इंटीग्रल जो है ये कन्वर्जेंट है और इस पॉइंट को कन्वर्ज कर रहा है। ये क्वेश्चन नंबर था 26। इसके बाद हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 27 है माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी इसकी लिमिट्स है और फंक्शन है हमारा 1/(x^+6x+12) डी ऑफ एक्स। दोनों लिमिट्स इन्फिनिटी में हैं तो सबसे पहले हम इसको क्या लिखेंगे, लेट आई इज इक्वल टू, मैं डायरेक्ट अब इसको करने लगा हूँ लिमिट माइनस इन्फिनिटी से पहले जीरो लिखेंगे फिर जीरो से इन्फिनिटी लिखेंगे तो ये बन जाएगा टी अप्रोचेस टू इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी
और लिमिट बन जाएगी टी से ज़ीरो और वन ओवर एक्स स्क्वायर प्लस सिक्स एक्स प्लस ट्वेल्व डी ऑफ एक्स और प्लस लिमिट टी अप्रोचेस टू प्लस का इन्फिनिटी, ठीक है, और ज़ीरो से टी बन जाएगी लिमिट और फंक्शन है वन ओवर एक्स स्क्वायर प्लस सिक्स एक्स और प्लस का ट्वेल्व डी ऑफ एक्स। अब दोनों का फंक्शन सेम है, अलहदा से इसकी इंटीग्रेशन कर लेते हैं, वन ओवर एक्स स्क्वायर प्लस सिक्स एक्स प्लस ट्वेल्व डी ऑफ एक्स। इसको हम लिख सकते हैं वन ओवर एक्स स्क्वायर प्लस सिक्स एक्स प्लस ट्वेल्व को लिख सकते हैं नाइन प्लस थ्री डी ऑफ एक्स, या इंटीग्रेशन वन ओवर ये बन जाएगा एक्स प्लस थ्री होल का स्क्वायर और प्लस थ्री को लिख सकते हैं स्क्वायर रूट ऑफ थ्री का स्क्वायर डी ऑफ एक्स। तो ये इंटीग्रेशन बन जाएगा किस इसका इंटीग्रेशन, ये क्योंकि टेंजेंट इनवर्स का डेरिवेटिव बन रहा है, तो वन ओवर स्क्वायर रूट ऑफ थ्री टेंजेंट इनवर्स एक्स, एक्स की जगह है एक्स प्लस थ्री ओवर ए की जगह है स्क्वायर रूट ऑफ थ्री। तो ये इंटीग्रेशन आ गया है, इसको आप इक्वेशन नंबर वन में पुट करके इस पर लिमिट अप्लाई करें। तो इक्वेशन नंबर वन में जब हम इसको पुट करेंगे, इसको आप इक्वेशन नंबर वन कह दें, इसमें आगे जब हम पुट करेंगे तो ये बन जाएगा I इज इक्वल टू लिमिट t अप्रोचेस टू माइनस इन्फिनिटी और ये बन जाएगा वन ओवर स्क्वायर रूट ऑफ थ्री टेंजेंट इनवर्स x प्लस थ्री ओवर स्क्वायर रूट ऑफ थ्री और लिमिट है जहाँ पे t से ज़ीरो और फिर प्लस लिमिट t अप्रोचेस टू इन्फिनिटी प्लस का और वन ओवर स्क्वायर रूट ऑफ थ्री टेंजेंट इनवर्स x प्लस थ्री ओवर स्क्वायर रूट ऑफ थ्री और लिमिट है ज़ीरो से t, ठीक है। वन ओवर स्क्वायर रूट ऑफ थ्री जो है ये कांस्टेंट है, शुरू में आ जाएगा लिमिट t अप्रोचेस टू माइनस का इन्फिनिटी, लिमिट अप्लाई कर दें, अपर लिमिट अप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा ज़ीरो प्लस थ्री यानी वन ओवर स्क्वायर रूट थ्री शुरू में आ गया है टेंजेंट इनवर्स और यहाँ पे बचे ये ज़ीरो हो जाएगा, यहाँ पे थ्री ओवर स्क्वायर रूट ऑफ थ्री है तो हम उसको लिख सकते हैं स्क्वायर रूट ऑफ थ्री, ठीक है। और लोअर लिमिट अप्लाई करेंगे माइनस टेंजेंट इनवर्स टी प्लस थ्री ओवर स्क्वायर रूट ऑफ थ्री, फिर प्लस यहाँ पे भी वन ओवर स्क्वायर रूट थ्री शुरू में आ जाएगा और बाकी लिमिट टी अप्रोचेस टू प्लस का इन्फिनिटी, अपर लिमिट अप्लाई करेंगे तो टेंजेंट इनवर्स टी प्लस थ्री ओवर स्क्वायर रूट ऑफ थ्री और माइनस टेंजेंट इनवर्स लोअर लिमिट है ज़ीरो तो यहाँ पे जीरो रखेंगे, यहाँ पे थ्री आ जाएगा, थ्री और स्क्वायर रूट ऑफ थ्री को अगर हल करें तो ये स्क्वायर रूट ऑफ थ्री बच जाएगा। अब जब हम ये लिमिट अप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा वन ओवर स्क्वायर रूट ऑफ थ्री इंटू टेंजेंट इनवर्स माइनस का इन्फिनिटी, माइनस का पाई बाई टू आंसर आ जाएगा और माइनस यहाँ पे सॉरी ये स्क्वायर रूट ऑफ थ्री है तो स्क्वायर रूट ऑफ थ्री हमें किस पे मिलता है, ये मिलता है सिक्सटी पे मतलब पाई बाई थ्री और माइनस यहाँ पे इन्फिनिटी रखेंगे सारा माइनस का इन्फिनिटी आंसर हो जाएगा, माइनस 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 का पाई बाई टू आएगा इसको प्लस कर देगा और प्लस वन ओवर स्क्वायर रूट ऑफ थ्री और ये वाली लिमिट अप्लाई करेंगे इसी तरह प्लस का इन्फिनिटी है यहाँ पे पाई बाई टू बचेगा और माइनस का यहाँ पे पाई बाई थ्री, ठीक है। इनको हल करें ये पाई सॉरी इनको आपस में हल करें तो ये बन जाएगा इनका एलसीएम आ जाएगा सिक्स, यहाँ पे आ जाएगा थ्री पाई प्लस टू पाई और प्लस वन ओवर स्क्वायर रूट ऑफ थ्री इंटू ये भी इसी तरह थ्री पाई माइनस टू पाई ओवर सिक्स, ठीक है। इसको हल करें तो यहाँ से आंसर आ जाएगा फाइव पाई ओवर सिक्स इंटू स्क्वायर रूट ऑफ थ्री और प्लस पाई ओवर सिक्स इंटू स्क्वायर रूट ऑफ थ्री, एलसीएम करेंगे तो ये बन जाएगा फाइव पाई प्लस वन तो आंसर आ जाएगा सिक्स पाई ओवर सिक्स इंटू स्क्वायर रूट ऑफ थ्री, ये कैंसिल हो जाएगा पाई ओवर स्क्वायर रूट ऑफ थ्री हमारा आंसर बन जाएगा क्वेश्चन नंबर 27 का। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 28 है, क्वेश्चन नंबर 28 है माइनस वन टू वन वन ओवर एक्स स्क्वायर डी ऑफ एक्स। तो यहाँ पे ना इस लिमिट पे फंक्शन अनडिफाइंड है ना इस पे अनडिफाइंड है, इनके दरमियान एक वैल्यू है जीरो जिस पे फंक्शन अनडिफाइंड हो रहा है, लिहाजा हम इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे I इज इक्वल टू माइनस वन टू जीरो वन ओवर एक्स स्क्वायर डी ऑफ एक्स
और प्लस 0 टू 1 1 ओवर x स्क्वायर डी ऑफ x। इसको हम क्या लिख देंगे, लिमिट बन जाएगी अब लिमिट t अप्रोचेस टू 0 ऊपर माइनस 1, क्योंकि अपर लिमिट पे फंक्शन अनडिफाइंड है, माइनस 1 से बन जाएगा t और x बटे में 1 ओवर x स्क्वायर है तो x की पावर माइनस 2 डी ऑफ x प्लस लिमिट t अप्रोचेस टू 0 ऊपर प्लस लोअर लिमिट पे अनडिफाइंड है t से 1 और x पावर माइनस 2 डी ऑफ x। इसकी इंटीग्रेशन करेंगे तो ये बन जाएगा लिमिट t अप्रोचेस टू 0 और x पावर माइनस 2 है, एक ऐड करेंगे तो माइनस का 1 बटे में भी माइनस का 1 हो जाएगा और लिमिट है माइनस 1 से t और प्लस लिमिट t अप्रोचेस टू 0 ऊपर प्लस, इसकी भी इंटीग्रेशन आ जाएगी x पावर माइनस 1 ओवर माइनस का 1 और लिमिट है t से 0। तो ये माइनस 1 जो है ये शुरू में आ जाएगा, माइनस लिमिट t अप्रोचेस टू 0 और ये बन जाएगा 1 ओवर x, ठीक है, और लिमिट है माइनस 1 से t और प्लस इसी तरह इसका माइनस भी शुरू में आ जाएगा और बाकी बच जाएगा लिमिट t अप्रोचेस टू 0 और 1 ओवर x, ठीक है, और लिमिट है t से 0। लिमिट अप्लाई कर दें, जब लिमिट अप्लाई करेंगे ये बन जाएगा माइनस लिमिट t अप्रोचेस टू 0 और 1 ओवर t माइनस 1 ओवर माइनस का 1 तो यहाँ पे आ जाएगा प्लस का 1, ठीक है, फिर माइनस लिमिट t अप्रोचेस टू 0 और अपर लिमिट अप्लाई करेंगे ये बन जाएगा 1 ओवर 0 और यहाँ पे आ जाएगा माइनस का 1 ओवर t। ये वाली लिमिट जब अप्लाई करेंगे तो 1 ओवर 0 प्लस का 1 और माइनस 1 ओवर 0 और माइनस का 1 ओवर 0, ये बन जाएगा इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी, आंसर क्या आ जाएगा इन्फिनिटी, मतलब कि फंक्शन जो है वो डाइवर्जेंट है, ठीक है। तो ये 3 क्वेश्चन हमने कवर किए हैं इसके इस लेक्चर में, नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाल्लाह क्वेश्चन नंबर 29 से स्टार्ट लेंगे। अल्लाह हाफिज़।